दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल हो गया है और आपका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि आप वोटर आईडी कार्ड को अपने मोबाइल में 5 मिनट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर पूरा प्रोसेस दिखा दो। दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल से ये स्टेप करेंगे तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइट को आप ऑन कर लीजिए ताकि आपका पेज बढ़िया से खुलेगा। तो गूगल पर आने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको वोटर पोर्टल आपको लिख के आपको सर्च कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वोटर पोर्टल लिख के सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही वोटर पोर्टल लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगा, जैसे कि होम वोटर पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का वेबसाइट नज़र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट एन अकाउंट के, तो इसको आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है या तो फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से किसी को आप डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मेरा मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर है, इस तरह का ऑप्शन आएगा। लेकिन आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डाल देने के बाद अपना नाम हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, पूरी तरह से अपना जो भी पर्सनल डिटेल है वो भर दीजिएगा। तो उस डिटेल भरने के बाद सिंपल आपको बैक होना है और यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पर सेलेक्ट करने को आएगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड जैसे आपका बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको वो अपना मोबाइल नंबर जो दिए थे साइनअप करते थे हमें वो देना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो इंटर कर देना है। और सिंपल यहाँ पे आपको जो ये कैप्चा भरा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे भर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जोड़ का है 23 + 7 तो 30 होगा, ये जोड़ के आपको लिख देना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका पासवर्ड और मोबाइल नंबर सही रहेगा तो को इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये भारत सरकार का जितने भी वोटर का काम होता है यहीं से होता है। ये बिल्कुल नया है, पहले पुराना वाला वोटर पोर्टल था, वेबसाइट था, लेकिन इसको नया लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सर्विसें हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह का पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। इस तरह का पूरी तरह से आपको खोलने देना है। यहाँ पे कोने पे देखिए आपको लेस स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो इस लेस स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, नो आई हैव वोटर आईडी ऑलरेडी हैव, तो आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एस आई एम अप्लाई फॉर दी फर्स्ट टाइम, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दूसरा वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और साइन एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर दिया हूँ। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, एस आई एम एन इंडियन सिटीजन के ऊपर आपको क्लिक करके साइन एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखिए आपको। तो दोस्तों, ऊपर पे यहाँ पे आपका जो भी डेट है वो आपको डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से भरने के बाद नीचे प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपना यहाँ पे विलेज का नाम इंटर कर देना है, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स, तो आप प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं? तो सिंपल, चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड को लगा देना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ तो आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा। आप अगर इन यहाँ में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो, इंडियन पासपोर्ट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई ना कोई होना चाहिए। तो आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आपने अगर डिजी लॉकर के अकाउंट बना रखा है तो इस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के डायरेक्टली आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास आपके मोबाइल पर है फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं तो सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है आपको, और जो भी आपने फ़ोटो खींच के रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा है, उसके बाद मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इस फाइल को आपको पूरी तरह से अपलोड होने देना है। तो चलिए यहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो इसे आप वेट कर लीजिए। और चलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ जब तक मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मेरा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगला पेज कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे इंटर योर पर्सनल डिटेल आपको भरने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप मेल है या फीमेल हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मेरे केस में फीमेल है, तो मैं यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पे इंटर योर नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो अपना नाम भर देना है।
उसके बाद सरनेम अगर है तो भर देना है, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, अगर ये गलत है तो आप यहाँ पे हिंदी में टाइप करके इसे सुधारेंगे। दोस्तों डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको देखिए कि आपको एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन भी आ रहा है, तो अपलोड पिक्चर के ऊपर को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिसका भी अप्लाई कर दे रहे हैं उसका फ़ोटो आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। ध्यान रहे जो भी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करोगे उसका शायद 200 KB होना चाहिए, आप किसी भी फ़ोटो एडिटर में उसे आप कर सकते हो। क्लिक यहाँ पर सिंपल कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर अपलोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो दोस्तों मेरा जो फ़ोटो है सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा, तो इस तरह का आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और सभी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए आपने सही भरा है या ना भरा है। यहाँ पे आपको डिजिबिलिटी का ऑटोमेटिक साइन हुआ आ जाएगा, तो इसको ऐसा ही टिक करना, इसको आपको छोड़ना नहीं है। और साइब एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू को क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आपको देख पा रहे इंटर फैमिली मेम्बर का डिटेल आपको भरना है। आपको यहाँ पे किसी, अगर आपके पास किसी फैमिली मेम्बर का है तो उसे भर सकते हैं, किसी आपका फादर का या मदर का बना है तो आप उसका वोटर आईडी, जो फैमिली का वोटर आईडी है उसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे केस में मेरे फैमिली का डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, तो चलिए मैं यहाँ पे उस फैमिली का जो वोटर नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद फैमिली का क्या नाम है जिसका आप डिटेल डाल रहे हैं, जैसे आपका मदर या फादर का जो भी नाम है वो डाल दीजिए जो ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड बना रखा है। उसके बाद सरनेम है तो वो दे सकते हैं वरना खाली छोड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ पे रेड रेड कलर है उसको भरना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको रिलेशन टाइप में आपको जो भी रिलेशन का आपने ऊपर दिया है, समझिए नॉमिनी का डिटेल भर रहे हैं, तो जो भी ऊपर ऊपर डिटेल भर रहे हैं, चाहे तो फादर है, मदर है, हस्बैंड है या अदर्स हैं, तो चलिए मैं अदर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और साइब एन कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये वेरीफाई करेगा कुछ इस तरह का पेज। यहाँ पे इंटर योर करेंट एड्रेस, तो यहाँ पे अब आपको अपना एड्रेस, बिल्कुल अगर आपका हाउस नंबर है तो यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर इंटर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे अपना हाउस नंबर सही से भरना है, यहाँ पे आपको जो भी आपका एरिया लोकेलिटी है वो सही से भरना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में अपना पोस्ट ऑफिस डाल लीजिएगा। विलेज टाउन पे आपको अपना हर जो भी अपना विलेज का नाम है वो डाल दीजिएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो हिंदी टाइपिंग है वो आपको अपने से करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैंने देखा है यहाँ पे गलत ही हिंदी आता है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो हिंदी यहाँ पे लिखा रहा है ये बिल्कुल इसके जैसा लिखा रहा है, वरना ये गलत हिंदी लिखता है, तो इसे आप अपने से टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है, अपना पिन कोड यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप मैनुअली चूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मेलोनी में अपना जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे असेंबली में आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका असेंबली है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक कोई सा एड्रेस प्रूफ के लिए कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। बुक का मुझे दिया है तो मैं यहाँ पे पासबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे उस पासबुक को आपको अपलोड कर लेना है। तो चलिए मेरे सिस्टम में यहाँ पे पासबुक है, नहीं इसे मैं चूज कर लेता हूँ और ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपलोडिंग होना चालू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल पासबुक अपलोड हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पासबुक का फोटो आपके अगर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको साइब एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इसके ऊपर दोस्तों अगला पेज डिक्लेरेशन का ओपन हो जाएगा। तो आपको ये डिक्लेरेशन बताना है कि इस एड्रेस में आप कितने कितने सालों से रह रहे हैं, कितने इसमें से रह रहे हैं, उसका आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है। तो जितने सालों से भी रह रहे हैं वो उसका डिटेल यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर प्लेस में अपना विलेज का नाम भर देना है और यहाँ पे नेम ऑफ दी एप्लीकेशन में आपका जिसका भी अप्लाई कर दे रहे हैं या अपना नाम यहाँ पे आपको भर देना है, जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको भरना है। और नीचे सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अगला पेज कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुल ओपन हो गया, जैसे कि यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी डिटेल आपने भरे हैं उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो इसे आप पूरी तरह से ध्यान से आप यहां पे देख लीजिए। अगर कोई गलत है तो यहां पे आपको एडिट फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो भी चीज़ आपने गलत भरा है उसे आप यहां पे सही कर सकते हैं। सही लग रहा है तो नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, सबमिट को आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कंग्रेचुलेसन यहाँ पर आप लोग मैसेज देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो ये मिल रहा है इसे आप कॉपी करके यहाँ पर आप सबसे पहले इसे कॉपी करके
आप रख लीजिए। इसी से आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो होम पे के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको बाइक उसी डैशबोर्ड पे वापस आ जाना है जहाँ से आपने अप्लाई किया था। तो होम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपका डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से आपका जहाँ पूरी तरह से आप रिटर्न बाइक हो चुके हैं, यहाँ पे कोने पे देखिए, यहाँ पे आपको ट्रैक अटेंशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कंप्लेंट और एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आपने अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और ट्रैक और स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा।